उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हरियाणा में भी ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है और ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है और ऐसे में अब लगातार बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ रहा है और ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, जहां बढ़ती ठंड में लोग एक तरफ अलाव का सहारा ले रहे हैं तो वहीं अब दिन में भी तापमान काफी नीचे पहुंच चुका है। अगर बात की जाए दिन और रात के तापमान में अब ज्यादा अंतर नहीं बचा। कई इलाकों में 10 डिग्री से कम तापमान दिन के समय में दर्ज किया गया है। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार और फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े। मुकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार जो ठंड का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, फरीदाबाद में फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए जागृति, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ती हुई नजर आ रही है। पूरे फरीदाबाद की बात करें और कहीं ना कहीं जो है पूरे उत्तर भारत की बात करें तो लगातार जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। फरीदाबाद के ताजा स्थिति की बात करें तो जो तापमान है वो करीब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है, परंतु रियल फील अगर बात करें तो असल में जो फील जो हो रहा है वो करीब 6 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो इस समय फील हो रहा है। मतलब लोगों के जो हाथ पैर हैं वो सुन्न हो जा रहे हैं और लगातार जो है वो जबरदस्त कोहरा जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो विजुअलिटी है वो कम होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर रोड के ऊपर जो वाहन है उनको फॉग लाइट जला करके और रेंग रेंग करके चलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो ठंड के चलते लोगों को अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। पूरी तरीके से कहा जा रहा है, अगर जो रात के समय की अगर बात करें तो रात के समय ये टेम्परेचर जो है वो 4 और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के जो है वो कहीं ना कहीं करीब चला जाता है और जो अधिकतम जो तापमान है उसकी अगर बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो लगातार कड़ाके की ठंड जो है पूरे उत्तर भारत में है और इस ठंड से कहीं ना कहीं जो है वो लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। परंतु वही बात करें जागृति किसानों की, तो किसान पूरी तरीके से इस ठंड से जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके हाथ पैर भरे इस ठंड में सुन हो रहे हो, परंतु वो इस बात से बेहद खुश है क्योंकि जो रबी की फसल है, गेहूं की फसल है, जौ की है, सरसों की फसल है, तो ऐसी फसलों के लिए ठंड बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में इस ठंड का पड़ना जरूरी है तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ठंड अभी और पड़नी चाहिए क्योंकि मैच अगर हम देख रहे हैं कि जो है वो नए साल से 2 दिन पहले से ही जो है वो फरीदाबाद में ठंड जो है, ठंड और कोहरा जो है वो देखने को मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस ठंड को 15 से 20 दिन और पड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ही जो है वो किसान जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं जान आएगी, जो गेहूं की जो बाल है या गेहूं के जो दाने हैं उनमें कहीं ना कहीं जान आएगी। तो ऐसे में ठंड का पड़ना बेहद जरूरी है। परंतु दूसरी अगर बात करें तो दूसरी ओर ये जो ठंड है वो लोगों पर सितम ढा रही है, लोगों को कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। घरों से बहुत कम जो है वो लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि एक तो ठंड और ऊपर से दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हवा भी जो है शीतलहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, ऐसे में जहां देखिए बढ़ती ठंड बेशक किसानों के लिए फायदेमंद है लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं और ऐसे में प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है कि जो सड़क किनारे लोग रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था हो सके इस बढ़ती ठंड में? देखिए जागृति, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि जिन लोगों के पास छत है वो लोग तो अपना कहीं ना कहीं ठंड से गुजारा कर लेंगे क्योंकि छत के अंदर घर के अंदर जो है वो चले जाएंगे, अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेंगे, उससे ठंड जो है उससे बचा जा सके। परंतु बड़ा सवाल ये है कि जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी जो है जो झुग्गी डाल करके लोग रह रहे हैं, ऐसे में सवाल उनके लिए खड़ा होता है। और साथ ही साथ जो लोग बाहर से आते हैं और रात को जो है वो सवारी ना मिलने के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान घूमते हैं कि आखिर ऐसी कड़ाके की ठंड में कहाँ रहे कहाँ सोए, तो इसके लिए प्रशासन की ओर से फरीदाबाद में रैन बसेरों का जो है वो इंतजाम किया गया है। फरीदाबाद में तमाम जगहों पर चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, तो इनके नजदीक में जो है वो रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें एक रैन बसेरे में करीब 15 से 20 लोग जो है यात्री जो है वो कहीं ना कहीं ठहर सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ बात करें तो उनके आधार कार्ड और फोन नंबर के साथ जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें रात रुकने के लिए जो है वो वहां पर व्यवस्था दी जाएगी। सुबह जगते ही उन्हें चाय पानी की जो व्यवस्था है वो भी उनकी की गई है। साथ ही अगर बात करें जो झोपड़ी झुग्गी वाले लोग हैं इनके लिए भी अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर जिला प्रशासन की ओर से जो है
वो कंबल वितरित किए जा रहे हैं ताकि ठंड से जो है उन्हें बचाया जा सके। जो भी जो सहयोग हो पाता है प्रशासन की ओर से उस तमाम सहयोग को जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर तो प्रशासन की ओर से जो है वो लकड़ियां भी जो है वो एक संस्था के थ्रू जो है वो वितरित की गई है ताकि अलाव के सहारे से भी जो है वो झोपड़ी झुग्गी वाले लोग जो है वो अपना बचाव कर सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी है और इसके साथ साथ फॉग के चलते जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ना हो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह पर जो है वो रात के समय में नाके लगाए जाते हैं और रिफ्लेक्टर जो है वो लगातार जो पशु है, क्योंकि हमारे फरीदाबाद के अंदर बात करें तो बहुत ज्यादा आवारा पशु घूमते हैं, तो ऐसे में उनके सींगों के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि जो है कोई हादसा ना हो। और साथ ही साथ वाहन चालकों से भी जो अनुरोध किया जाता है कि रिफ्लेक्टर लगाए, इसके साथ साथ फॉग लाइट जला करके जो है वो वाहन चलाए, कम ज्यादा स्पीड ना करें ताकि जो है कोई हादसा ना हो सके। तो तमाम चीजों को लेकर के प्रशासन जो है वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां बढ़ती ठंड लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है तो वहीं किसानों के लिए ठंड फायदेमंद मानी जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए, बढ़ता कोहरा भी कहीं ना कहीं मुसीबत बन रहा है क्योंकि ट्रैफिक या बात की जाए अगर गाड़ियों के लिए तो उनके लिए काफी परेशानी बन गई है। अगर हम बात करें तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि बढ़ते कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते कोई हादसा ना हो? बिल्कुल, देखिए जागृति का महीना है, लाजमी है कि धुंध पड़ना और इसके कारण जो है विजिबिलिटी का जो है कम हो जाती है क्योंकि धुंध के कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने गंतव्य पर जाते हैं, खासकर ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति हैं या फिर रेहड़ी चालक हैं या फिर कोई मजदूरी करते हैं, तो उनको ज्यादा परेशानी का सामना जो है ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह जो है अपने गंतव्य पर जाना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन है वो भी रेंग रेंग कर चलते हैं और ऐसे में जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है साफ तौर पर नवंबर से पहले ही जो है तैयारियां शुरू कर देते हैं क्योंकि ठंड जब से दस्तक देना शुरू हो जाती है तब से ही जो है धुंध के कारण जो है कहीं ना कहीं हादसे ना हो उसको लेकर प्रशासन और सरकार जो है जागरूक हो जाती है और जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है रोहतक जिले की अगर बात करें तो सभी जो है इलाकों में जो है रिफ्लेक्टर जो है लगाए गए हैं और साथ साथ में रोड पर जो है पट्टी जो है वो लगाई गई है। वहीं ट्रैफिक के जो अधिकारी है उनको द्वारा जो है समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती है और लोगों को जो है समझाया भी जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप जब भी लंबे चलते हैं फॉग लाइट का जो है प्रयोग करके डीपर जलाकर चले ताकि सामने आने वाले वाहन को जो है पता लग जाए कि जो है वाहन आ रहा है। वहीं दूसरे जो बड़े वाहन है उनको भी सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि आप रस्ते में जो रोड है उस पर जो है वाहन खड़ा ना करें ताकि धुंध के कारण कोई हादसा ना हो, क्योंकि कई बार जो बड़े वाहन जो है खराब हो जाते हैं वो रोड पर ही छोड़ देते हैं ताकि जो है दूसरा वाहन आ जाता है और सीधा जो है उसको टक्कर जो है मार देता, तो क्योंकि धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो है मीटिंग ली जाती है और जो है लोगों को जागरूक भी किया जाता है। बात करें हम, आपने बताया कि ठंड के कारण जैसे जैसे धुंध पड़ती है तो किसानों पर जो है काफी खुशी होती है क्योंकि किसानों को उम्मीद होती है कि धुंध पड़ेगी तो उनकी गेहूं की फसल अच्छी होगी और बम्पर पैदावार होगी, क्योंकि गेहूं से जो है उनकी जो बूंदे होती है जो धुंध की जो बूंदे होती है वो गेहूं की जड़ में जाती है और तने में जाकर जो है वो खाद और पानी का काम करती है जिससे बीमारियां भी कम होती है, बम्पर पैदावार भी होती है और किसान को जो है पानी जो है ट्यूबवेल चलाकर नहीं देना पड़ता और उसका डीजल बच जाता है जिससे उसकी लागत कम आती है और इनकम जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बचती है। तो इसलिए किसान बिल्कुल, और संजय देखिए बेशक ठंड लगातार बढ़ रही है, लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है लेकिन किसानों के लिए कुल मिलाकर ये ठंड फायदेमंद है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं।